राजनीति के मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही नूरा कुश्ती से जिले के किसान इत्तेफाक नहीं रखते। किसानों का मानना है कि दोनों ही पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धान खरीदी पर ड्रामा कर रही हैं। किसानों के मुताबिक एक पार्टी वादा करके सत्ता में आई तो उसे बिना कोई सफाई दिए अपना वादा पूरा करना चाहिए, वहीं दूसरी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए किसानों ने कहा है कि उक्त पार्टी ने जब सत्ता में रहते हुए अपना वादा पूरा नहीं किया तो फिर अब दूसरों पर आरोप कैसे लगा सकती है। किसानों ने सरकार के द्वारा तय मूल्य पर एक साथ देने की मांग की है। राजनीतिक से हमको कोई मतलब नहीं, हम किसान का अपने सही चार्ज मिलना चाहिए और सही बिक्री होना चाहिए बस। लेकिन क्या लगता है जिस हिसाब से दोनों पार्टी आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, अपने आप में ही मजबूरन होकर के लड़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे काश्तकार? हम लोगों को फायदा ही कर दिया क्या कांग्रेस? चुनाव उनाल में नहीं जाना भाई, हम सही रेट दे भैया, 2500 रुपया के है वही मन हमारे साथ। तो ये जो एक दूसरे का आरोप लगा रहे हैं तो क्या समझते हैं? वो आरोप हम अपन दोनों निपटे, भाजपा और कांग्रेस, ओकर पीछे हम नहीं जाकर हमारा दुकान पर गए, हमारे धान साहब लोग बीमारी मर गए कन्मा के।